हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल का एक और लॉ जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये मेंडल का थर्ड लॉ है और साथ ही साथ इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। तो आज हम देखेंगे मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि ये होता क्या है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से लगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो इसका अगर मेन पॉइंट हम देखें तो इट इन्वॉल्व द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो डाई हाइब्रिड, अब डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग मोर देन वन कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, तो जैसे कि नाम से आपको लग रहा है डाई हाइब्रिड। ओके, तो डाई हाइब्रिड मीट इट इन्वॉल्व्स टू कैरेक्टर्स। ओके, वॉट टू कैरेक्टर। ठीक है, अब इस डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बेस पे ही जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है असॉर्टमेंट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द गैमेट इट गेट सेग्रीगेटेड। ओके, तो इस केस में क्या होगा, और उस केस में द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज ओनली वैलिड फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, यानी कि मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर के लिए वो वैलिड है, लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है फॉर दिस इट रिक्वायर्ड डाई हाइब्रिड। ओके, इट मीन्स इट रिक्वायर्ड टू कैरेक्टर्स मिनिमम। ओके, इफ देयर टू कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट देन ओनली दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट इज वैलिड। ओके, तो ये होता क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो मेंडल ने देखा, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, हम तो दो कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, सपोज पहला हमने कैरेक्टर ले लिया हाइट का, हाइट, दूसरा हम दोनों ले लिया फ्लावर कलर का। ठीक है, फ्लावर कलर का। अब देखिए, हाइट में दो ट्रेट्स हो सकती हैं, जैसे टॉल और वी कैन से ड्वार्फ। ओके, अब फ्लावर कलर, अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर सपोज पर्पल, दूसरा वाइट। ठीक है, अब देखिए, टॉल ड्वार्फ टू ट्रेट होंगी हाइट में, अगर वहीं फ्लावर कलर लें तो उसमें दो टाइप्स के होंगे कलर, पर्पल या वाइट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दीज कैरेक्टर आइदर टॉल और ड्वार्फ इट डजंट इन्फ्लुएंस द अदर कैरेक्टर लाइक द पर्पल और वाइट। ठीक है, इसका मतलब अगर सपोज कोई टॉल प्लांट है, ठीक है, सपोज कोई टॉल प्लांट है तो इसमें नेसेसरी ये नहीं है कि वो पर्पल ही होगा या वो वाइट ही होगा। ठीक है, अगर टॉल प्लांट है तो पर्पल भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें ड्वार्फ प्लांट की, अगर ड्वार्फ प्लांट है तो उसमें भी जो फ्लावर है वो पर्पल हो सकता है और वो वाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें कि जो एक ट्रेट है इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर ट्रेट। ओके, मीन्स एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दीज ट्रेट्स दे आर गेटिंग सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर विदाउट influencing the other trait, understood? जैसे कि टॉल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो उसमें जो कलर होगा फ्लावर का वो भी, वो पर्पल भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है। ये नहीं कि अगर टॉल प्लांट है तो उसमें जो कलर होगा वो पर्पल ही होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, आप अगर डॉल प्लांट ले लें तो उसमें जो कलर होगा फ्लावर का वो वाइट होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर टॉल प्लांट है तो उसमें पर्पल कलर के भी फ्लावर हो सकते हैं, उसमें वाइट कलर के भी फ्लावर हो सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या हो रहे हैं, दीज गैमेट दे आर सेग्रीगेटिंग, मीन्स दे आर सेग्रीगेटिंग अकॉर्डिंग टू द मेंडल फर्स्ट लॉ। ओके, बट दीज गैमेट दे आर नॉट, और वी कैन से दीज कैरेक्टर्स दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर। ओके, तो हाइट का जो कैरेक्टर इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द फ्लावर कैरेक्टर, फ्लावर कलर। ओके, तो यही क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स दोनों कैरेक्टर जो हैं दे आर सेग्रीगेटिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो टॉल जो है इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द पर्पल, ड्वार्फ जो है इट इज ऑल्सो नॉट इन्फ्लुएंसिंग द वाइट। ओके, मीन्स जो कैरेक्टर है, चाहे वो हाइट का हो चाहे फ्लावर का कलर हो, फ्लावर कलर का कैरेक्टर हो, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दीज कैरेक्टर दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग ईच अदर।
ओके, तो यही क्या है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम देखेंगे मेंडल ने कैसे किया था। तो मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने टू टाइप्स के जो कैरेक्टर लिए थे वो हम लोग देखेंगे और उसकी बेस पे समझेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है डाई हाइब्रिड है, ओके, तो इट मींस इसमें दो कैरेक्टर होंगे, अंडरस्टूड। तो अब हम लोग देखते हैं मेंडल ने कैसे किया था। तो मेंडल ने क्या देखा, उनके कुछ प्लांट्स थे, ठीक है, तो उन्होंने प्लांट्स में क्या देखा, उन्होंने टू कैरेक्टर्स लिए। एक हम लोग देख लेते हैं प्योर टॉल, सॉरी प्योर राउंड येलो, ओके, तो प्योर राउंड येलो है तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ओके, तो इसमें क्या हो गया, ये राउंड येलो है, ये प्योर राउंड येलो है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख भी देखते हैं, इट इज प्योर राउंड येलो, ओके। दूसरा इन्होंने क्या प्लांट लिया, दूसरा लिया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके, तो ये क्या है, ये है प्योर रिंकल्ड ग्रीन, प्योर रिंकल्ड ग्रीन, ओके। अब देखिए इन्होंने क्या किए, दो कैरेक्टर लिए, एक तो उसका शेप ले लिया, ओके, एक क्या लिया, शेप ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, उन्होंने कलर ले लिया, अंडरस्टूड। तो राउंड एक शेप हो गया और येलो कलर हो गया, ऐसे इसमें रिंकल्ड शेप हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, ओके, इन्होंने अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। अब देखिए क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, इसमें से क्या आया कैपिटल आर, इससे क्या है कैपिटल वाई, इससे क्या है स्मॉल आर, इससे क्या है स्मॉल वाई, ओके, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमें सारे जो प्लांट्स मिले वो राउंड येलो, F1 जनरेशन में वी गॉट ऑल द प्लांट एंड ऑल प्लांट्स वर राउंड येलो, ओके। इन्होंने F1 जनरेशन दो प्लांट लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे क्रॉस करा दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, तो दो प्लांट्स लिए इन्होंने F1 जनरेशन से और उसके बीच क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हमें आगे चल के F2 जनरेशन में क्या प्लांट्स मिले, उसे करने के लिए हम लोग पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प लेंगे। तो हमें इसमें से क्या मिलेगा गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके, सेम चीज दूसरे वाले प्लांट से, तो उसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम चीज कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। तो हमें, तो हम पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से देखेंगे कि हमें कितने प्लांट्स मिलते हैं और उन प्लांट्स में जो कैरेक्टर है, या हम बोल सकते हैं कि वो जो प्लांट्स एफ टू जनरेशन में उनका जो जीनोटाइप है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, चौथे में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम दूसरे में करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन लास्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमें टोटल 1 2 3 4 16 प्लांट्स मिले, ओके। तो F2 जनरेशन में हमें कितने मिले टोटल, तो F2 जनरेशन में हमें टोटल कितने मिले, टोटल 16 प्लांट्स हमें मिले 16, ओके। अब इसमें देखने वाली बात है कि आउट ऑफ दिस 16 प्लांट हाउ मेनी प्लांट्स आर राउंड येलो, हाउ मेनी प्लांट्स आर राउंड ग्रीन, हाउ मेनी प्लांट्स आर रिंकल्ड येलो, हाउ मेनी प्लांट्स आर रिंकल्ड ग्रीन, ओके। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, इसे आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पर रेशियो शुड कम करेक्ट,
रिंकर्ड ग्रीन। ओके तो अब देख लेते हैं हमें राउंड येलो कितने मिले। तो राउंड येलो मतलब जहां पर एक भी एलील अगर कैपिटल आर है या कैपिटल वाई है तो वो सारे प्लांट राउंड येलो हो जाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं, तो ये क्या होगा आपका राउंड येलो। ओके ये भी राउंड येलो क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट, तो ये भी क्या हो गया राउंड येलो हो गया। ये भी आपका क्या हो गया राउंड येलो हो गया, ये भी आपका राउंड येलो हो गया क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है प्रेजेंट। ठीक है तो ये दोनों एलील क्या है, इट इज हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील, यानी ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के ऊपर ये डोमिनेंट है। ठीक है कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये नहीं है क्योंकि इसमें एक एलील क्या है, दोनों एलील क्या है वाई वाई, वो एससी वन है। ये भी डोमिनेंट हो गया आपका राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो टोटल कितने राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो गए राउंड येलो। ओके नेक्स्ट राउंड ग्रीन देखते हैं। राउंड ग्रीन मतलब कैपिटल आर प्रेजेंट होगा लेकिन जो ग्रीन का क्या होगा वो स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है या स्मॉल आर। ठीक है तो देखिए इसमें राउंड येलो मतलब कैपिटल आर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ग्रीन मतलब स्मॉल वाई होगा। तो देखिए किसमें ऐसा है, देखिए इसमें राउंड है कैपिटल आर प्रेजेंट है और स्मॉल वाई स्मॉल है ये। ठीक है तो ये हो गया आपका राउंड ग्रीन। नेक्स्ट इसमें भी देखिए कैपिटल आर प्रेजेंट है स्मॉल वाई, इसे हम लोग दूसरे पेंसिल मार्कर से देखेंगे ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। ठीक है ये राउंड येलो सॉरी राउंड ग्रीन, ये भी आपका राउंड ग्रीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये आपका राउंड ग्रीन हो गया। ठीक है तो टोटल यहाँ पे आपको 3 जो है वो राउंड ग्रीन मिले। ओके नेक्स्ट देखते हैं रिंकर्ड येलो। ठीक है रिंकर्ड येलो का मतलब जहाँ पे स्मॉल आर प्रेजेंट होगा और कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा। ठीक है तो देखते हैं किसमें है रिंकर्ड येलो का मतलब दोनों आपका स्मॉल आर एलील होना चाहिए। ठीक है तो इसे दूसरे कलर से देखेंगे, देखिए स्मॉल आर है तो ये रिंकर्ड हो गया, कैपिटल वाई है तो ये येलो हो गया। कोई भी एक एलील प्रेजेंट हो चाहे वो कैपिटल आर अगर प्रेजेंट हो तो इट शुड बी राउंड, अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट तो इट शुड बी येलो। ओके तो इसमें देखिए स्मॉल आर प्रेजेंट है। ठीक इसका मतलब क्या हो गया शेप चेंज हो गया तो रिंकर्ड हो गया, अब इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया येलो हो गया, तो ये क्या हो गया रिंकर्ड येलो। ओके इसमें देखिए स्मॉल आर मतलब ये भी रिंकर्ड है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये क्या है येलो, तो ये भी रिंकर्ड येलो हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए स्मॉल आर है इट मीन्स रिंकर्ड है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो गया रिंकर्ड येलो। ओके तो आपको 3 जो प्लांट्स मिले वो रिंकर्ड येलो मिले। अब बचा रिंकर्ड ग्रीन एक लास्ट, तो रिंकर्ड ग्रीन मतलब जहाँ पे स्मॉल आर भी होगा और स्मॉल वाई वो भी होगा, तो ये किस में है प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लास्ट वाले में। तो इस केस में देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई, तो ये कितने प्लांट है 1। तो आउट ऑफ 16 प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द F2 जनरेशन आउट ऑफ विच 9 विल बी राउंड येलो, 3 विल बी राउंड ग्रीन, 3 विल बी रिंकर्ड येलो एंड 1 विल बी रिंकर्ड ग्रीन। तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा 9:3:3:1। ठीक है अब इसमें देखिए दोनों ट्रेट्स जो हैं या हम कह सकते हैं जो दोनों कैरेक्टर हैं ओके वो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट है। देखिए इसमें क्या है राउंड येलो, ओके इसमें देखिए राउंड येलो ये भी है, इसमें देखिए कुछ प्लांट क्या है वो राउंड ग्रीन है, ओके इसमें देखिए कुछ प्लांट क्या है रिंकर्ड येलो है। ठीक है ऐसे ही कुछ प्लांट क्या है जैसे एक प्लांट है वो रिंकर्ड ग्रीन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है जब दो कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ओके दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर, मीन्स वन कैरेक्टर दिस राउंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द येलो कैरेक्टर, अंडरस्टूड, एंड दे आर सेपरेटिंग और सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, अंडरस्टूड। तो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस व्हेन द गैमेट गेट सेपरेटेड तो दीज कैरेक्टर्स और वी कैन से दीज फैक्टर्स दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, मीन्स राउंड वन इट राउंड कैरेक्टर ओके और वी कैन से द राउंड टेट इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द येलो वन, सिमिलरली रिंकर्ड वन इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द ग्रीन वन, ओके बट दे आर सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अंडरस्टूड। बट एज वी नो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज वैलिड ओनली फॉर वन कैरेक्टर, बट हियर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट इज वैलिड फॉर टू कैरेक्टर और मोर देन टू कैरेक्टर। ओके
तो ये क्या था, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इसी के साथ साथ मंडल ने क्या किया था, सो 315 106 108 32 ओके। तो 315 कौन से प्लांट थे, वो थे राउंड येलो, वन जीरो सिक्स राउंड ग्रीन, 108 रिंकर्ड येलो और 32 रिंकर्ड ग्रीन। तो मेंडल ने जो है 315 प्लांट्स उन्हें मिले राउंड येलो, 106 प्लांट उन्हें राउंड ग्रीन, 108 रिंकर्ड येलो एंड 32 रिंकर्ड ग्रीन। ठीक है, अब इसका इन्होंने जब रेशियो निकाला तो उन्हें रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1। क्लियर। तो ये था एक्चुअली में मेंडल ने कितने प्लांट्स लिए और उस प्लांट्स में से कितने जो प्लांट थे वो राउंड येलो थे, कितने राउंड ग्रीन थे, कितने रिंकर्ड येलो, कितने रिंकर्ड ग्रीन। ओके, सो ये क्या था, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो इसमें हमने मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस वन कैरेक्टर इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, जो एक कैरेक्टर है या एक ट्रेट जो है इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग द अदर ट्रेट, मीन्स दोनों ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस कर रही है आने वाली जनरेशन में। ओके, तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और वी कैन से लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन मतलब दे आर कंबाइनिंग फ्रीली। ओके, इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर वन एंड द अदर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर वन। ओके, तो लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन मतलब दे आर रिकॉम्बाइनिंग इंडिपेंडेंटली। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक लास्ट पर मैं आपको बता दूं कि इन दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वन कैरेक्टर और वी कैन से वन ट्रेट इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर ट्रेट और द अदर कैरेक्टर। दैट्स इट, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।